यास्मीन। सीबीआई की एसआईटी एक तरफ सुशांत सिंह केस की परत दर परत खोलने में लगी है, तो दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती बार बार अपना बयान बदलते नजर आ रही है। फिलहाल सीबीआई का मेन फोकस है 8 से 13 जून के बीच के हालातों की जानकारी हासिल करना। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे रिया की मुसीबत फिर बढ़ सकती है। रिया द्वारा किए गए अब तक के दावों के मुताबिक उन्होंने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था, लेकिन सामने आई तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल होममेड सनशाइन नाम के एक इंस्टा पेज पर तस्वीर अपलोडेड है जिसमें रिया हाथ में केक लिए खुश नजर आ रही है। तस्वीर में जो तारीख है वो 12 जून की है, जबकि रिया की माने तो उन दिनों वो काफी परेशान रह रही थी। उन्हें खुद में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस बीच ऐसा कौन सा खुशी का मौका आया जिसे रिया सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही है। तस्वीर में रिया श्रुति मोदी को शुक्रिया भी कह रही है। बताते चलें कि सुशांत की एक्स मैनेजर रही श्रुति मोदी की अपनी एक बेकरी शॉप भी है। ऐसे में जब इंस्टाग्राम पर लगातार छानबीन की गई तो एक बड़े राज से पर्दा उठा। तस्वीर के बैकग्राउंड में लगे फ्रेम पर अगर आप गौर करें तो सुशांत के घर की बालकनी से जुड़े कमरे में भी ऐसा ही एक फ्रेम लगा हुआ था, जिसे लेकर ये बात तो साफ है कि हो ना हो 12 जून को रिया सुशांत के घर पर ही मौजूद थी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक सच को छुपाने के लिए रिया और कितने झूठ का सहारा लेंगे। बहरहाल फिलहाल इस एक तस्वीर ने मामले को नई दिशा दे दी है, लेकिन असल सच क्या है अभी इससे पर्दा उठना बाकी है।